नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। आपके साथ मैं हूं अक्षय अनुराग। उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजीत पवार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर अजीत पवार के सामने शरद पवार की बुराई हो रही थी और इसके मजे पीएम और बीजेपी नेता ले रहे थे, तो खुद को गौरवान्वित मराठा कहने वाले अजीत को मंच से चले जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वो लोग बुराई के मजे लेते हैं, उनका यही काम है। आज शरद पवार की बुराई कर रहे हैं, कल बाला साहेब ठाकरे की बुराई करेंगे। उनका सिर्फ मतलब से नाता है, मतलब निकल जाता है तो छोड़ देते हैं। राउत ने कहा कि कल तक शरद पवार की मदद से कई काम हो रहे थे। पीएम मोदी खुद को शरद पवार का चेला बताते थे। शरद पवार को कृषि और सामाजिक क्षेत्र में ज्ञान रखने और योगदान के लिए पद्म विभूषण सम्मान भी मिल चुका है। तब नहीं लगा कि उस नेता ने क्या किया है। उन्होंने कहा कि लेकिन अब राजनीति है, महाराष्ट्र में चुनाव है, उनकी पार्टी तोड़ दी है, उनको कमजोर कर दिया है। महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता पर ऐसी टिप्पणी करते हो तो राज्य के लोग ये बात याद रखेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र की राजनीति में एक और चर्चा इस समय सबसे ज्यादा हो रही है और वो है अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी को लेकर। दरअसल महाराष्ट्र में इस वक्त मराठा आंदोलन जोर पकड़ रहा है, जिसमें एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की मराठा समुदाय में अच्छी पकड़ मानी जाती है और बावजूद इसके वे मराठा लोगों को मनाने में अब तक नाकाम नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी आला कमान उनसे नाराज नजर आ रहा है। इसके अलावा बिहार में हुए जातीय जनगणना पर बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है और बीजेपी के सहयोगी और प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी इसका समर्थन किया है और साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र में भी इसकी मांग की है। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जो सूबे में बीजेपी गठबंधन में दरार की बातों को उजागर कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।